नमस्कार, गुड मॉर्निंग। SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका एक बार से फिर स्वागत है। लेट्स लुक एट द मार्केट फॉर यस्टरडे एंड वी विल आल्सो डिस्कस द स्टॉक व्हिच आर देयर इन द फोकस। सो दोस्तों, कल का मार्केट शुरुआत अच्छी थी, हालांकि ऊपर के लेवल से फिजल्ड आउट हो गया एंड अक्रॉस द बोर्ड, खासकर ब्रॉडर मार्केट में हमने एक स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी जो है गेन के साथ में बंद हुए हैं एंड इफ यू लुक एट दी गेंस इन दी निफ्टी एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स इंडेड विद द गेंस ऑफ 237 पॉइंट्स टू क्लोज एट 83,185, वाइल निफ्टी इंडेड विद 38 पॉइंट्स गेन एंड क्लोज एट 25,416। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी वीकनेसेस था, तो निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप बोथ इंडेड एट 0.7% एंड 1.26% लोअर रिस्पेक्टिवली। अगर बात करें सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी और बैंकिंग ये टॉप थ्री गेनर्स रहे हैं, वेयर वी सॉ क्लोज टू 0.5% गेन, वाइल वीकनेसेस वर सीन इन इंडस्ट्रियल, दैट इज कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, वेयर दी डिक्लाइनिंग वर क्लोज टू बिटवीन 1.6% टू नियरली 4%। टेलीकॉम में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कल जो AGR ड्यूज को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उस लिहाज से एक बड़ा नेगेटिव रहा टेलीकॉम कंपनीज के लिए। शायद इसीलिए हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया हो या फिर इंडस टावर हो, बाकी सारे जो वीक यूं कहें कि टेलीकॉम कंपनीज हैं, वी सॉ अब डिक्लाइनिंग इन दो स्टॉक्स। एज आई टोल्ड यू, द ब्रॉडर मार्केट वर अंडर प्रेशर, देयरफॉर मार्केट बेथ वर ऑल्सो वेरी वीक। एडवांसेस की बात करें तो 1,246 कंपनी जो है एडवांस कैटेगरी में रिकॉर्ड हुई, जबकि 2,734 कंपनी डिक्लाइनिंग कैटेगरी में। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज क्लोज टू 1:1 इन द फेवर ऑफ डिक्लाइंस। देर वर मिक्स्ड ट्रेंड फॉर FII DII इन द कैश मार्केट यस्टरडे। इफ यू लुक एट द FII नेट सोल्ड 2,547 crore, 2,547 crore रुपीज, वाइल DII नेट बॉट 2,013 crore इन द कैश मार्केट। दोस्तों आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ का जो हैंडओवर है वो बहुत ही फेवरेबल है। कल के दिन US फेड के द्वारा जब रेट कट हुआ, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली US मार्केट में, बट कल का मार्केट कुछ अलग ही था। अक्रॉस द बोर्ड एक रैली देखने को मिली। इनफैक्ट डॉ जॉन्स और S&P ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, जबकि नैसडैक डिस्पाइट 2.5% गेन के साथ में बंद हुआ, लेकिन अभी भी वो करीब 3% के आसपास ऑल टाइम हाई से दूर है। लेकिन बहुत ही अच्छी रैली कल के सेशन में देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी स्टॉक में एक अच्छी रैली कल के सेशन में देखने को मिली। ये रीज़न है कि वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग 2.5% गेन फॉर नैसडैक। उसके अलावा जो वीकली जॉबलेस क्लेम आया है US का, इट रिकॉर्डेड 2.19 यानी कि 2,19,000 रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अनुमान से विच वॉज 2.3 lakh, इट इज़ स्लाइटली लोअर। सो वीकली जॉबलेस क्लेम इज़ नाउ एट 4-month low। दिस इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी इन द US इज़ रेसिलियंस, और इस लिहाज से भी एक मार्केट को जो है जो मार्केट की रैली है उसको एक बल मिला और वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग फॉर US मार्केट ओवरनाइट। दो सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन भी आए हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के। बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये कल ही आ गया था, और बैंक ऑफ जापान का भी जस्ट आया, वहाँ भी कोई इंटरेस्ट में बदलाव नहीं है। तो ये बड़े इवेंट हैं सेंट्रल बैंकों के द्वारा आफ्टर द US फेड स्टार्टेड कटिंग द रेट्स, तो ये भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे। और अगर एशियन क्यूज़ की बात करें तो लार्जली वो ग्रीन में है, तो वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव ओपनिंग फॉर आवर मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक विच आर इन फोकस। सो फर्स्ट इज IIFL फाइनेंस, जहाँ पे RBI ने जो है उनके गोल्ड लोन को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शन था उसको लिफ्ट कर लिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर IIFL फाइनेंस। NTPC के बोर्ड ने, यानी कि बोर्ड ऑफ NTPC हैज अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट फॉर नियरली 21,000 crore रुपीज, और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। सो NTPC विल बी इन फोकस टुडे स्ट्रेस। रिलायंस इंफ्रा भी आज फोकस में होगा। कंपनी हैज सेड दैट दे हैव द बोर्ड हैज अप्रूव रेजिंग 3,014 crore रुपीज़ वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एंड
the company is also in the process of getting the note from shareholders for another 3,000 crore rupees plus fundraise going forward. So this could be a positive. We already seen stock rallying in recent times. EMS भी focus में होगा. Company के board ने 400 crore रुपए के QIP के लिए approval दिया हुआ है. तो यहाँ पे fundraise होने वाली है EMS के अंदर. Positive है EMS के लिए. संदूर मैगनीज विल ऑल्सो इन फोकस वेयर कर्नाटका पोल्यूशन बोर्ड हैज ग्रांटेड अ कंसेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ इट्स कंपनीज मैगनीज एंड और माइंस और इसके जरिए कंपनी अपना जो कैपेसिटी है वो 0.43 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम से बढ़ा करके 0.55 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो कर देगी. तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है. अबाउट इंडिया भी यहाँ फोकस में होगा. यहाँ पे कंपनी ने टकेडा फार्मा के साथ में एक नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ. यहाँ पे वेनो प्रजान करके एक प्रोडक्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा इंडियन मार्केट्स के अंदर. पॉजिटिव है ये अबाउट के लिए. और कॉस्मिक सीआरएफ एक एसएमई छोटी कंपनी है. 1413 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है. कंपनी को एक 127 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है. दोस्तों अगर बात करें कुछ बल्क डील्स की तो यहाँ पे आल कार्गो में रोहिणी नीलेकानी स्मॉल कैप ने करीब 813,000 शेयर्स खरीदे हैं 105 रुपये 21 पैसे पर शेयर पे. इन ईपैक ड्यूरेबल्स इंडिया एडवांटेज फंड हैज सोल्ड 10 लाख शेयर्स एट 380 रुपीज पर शेयर. इन VST इंडस्ट्रीज वी सॉ राधाकृष्ण दमानी सेलिंग अनदर 1 लाख शेयर्स एट 439 रुपीज पर शेयर एंड बायर्स वर रिलायंस म्यूचुअल फंड. एंड इफ यू लुक एट द इनसाइडर ट्रेड्स हियर द उषा मार्टिन प्रमोटर हैव सोल्ड 1.5 लाख शेयर इन द कैश मार्केट ऑन September 17. इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क हैड बॉट 7.1 लाख शेयर्स ऑन September 19. इन सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग प्रमोटर हैव सोल्ड सम 5 लाख शेयर्स ऑन September 16. एंड अनदर प्रमोटर हैव सोल्ड अनदर 5 लाख शेयर्स ऑन September 16. इन NRB बेयरिंग प्रमोटर हैव बॉट 1.1 लाख 5,000 शेयर्स इन द रिसेंट टाइम. सो वी हैव सीन इनसाइडर ट्रेड हैपनिंग इन दीज कंपनीज. इफ़ यू लुक एट द कॉर्पोरेट एक्शंस और यहाँ पे आज कई कंपनीज के डिविडेंड के लिए एक्शन रिकॉर्ड डेट्स हैं. सो एग्रोटेक फूड्स फैक्ट्स नेशनल फर्टिलाइजर तिलक नगर इंडस्ट्रीज अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट पावर मैक प्रोजेक्ट्स सुप्रिया लाइफ साइंसेज रोटो पम्प टार्सन प्रोडक्ट. सो ये लॉन्ग लिस्ट है कंपनीज की जिनके आज डिविडेंड के लिए एक डेट हैं. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन आवर मॉर्निंग पॉडकास्ट. Thanks for listening and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.